आप सबका बॉम्बीज ड्रीम्स में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो पक्का सब्सक्राइब करना और वीडियो को आगे देखना चाहते हो तो बेल बटन को भी दबाना ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? आशा करती हूँ मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं। मैं भी अच्छी हूँ। एकदम आज गार्डन के पास बैठे बैठे ब्लॉग स्टार्ट कर दिया, मन हुआ इधर चाय पीने का। और हाँ, बात करते करते सबको दिल से गुड मॉर्निंग। जो जो मेरे नए फ्रेंड्स हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो पक्का सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को और आगे आगे ब्लॉग देखते रहना। और आज एकदम सुबह सुबह गार्डन से बैठ के बात कर रही हूँ आप लोगों से। ये देखो मेरा एकदम पीछे मैं बोला नहीं आज यहाँ ही चाय पियेंगे, बहुत मन हो रहा है। तो सुबह सुबह उठ के चाय लेके एकदम बैठ गई। अभी पीऊँगी चाय और थोड़ा सा गार्डन देखूँगी क्योंकि पत्ता वत्ता थोड़ा सा हो जाता है। मैं सुबह ही थोड़ा सा चेंज मतलब निकाल देती हूँ जो पत्ता ख़राब हो गया। और बस सुबह सुबह ब्लॉग स्टार्ट कर दिया। थोड़ा बहुत काम है करेंगे, वो तो डेली रूटीन है। चलो देखते रहो मेरे साथ मैं क्या क्या कर रही हूँ। चलो फ्रेंड्स देखो मेरे साथ, रहो मेरे साथ। नाश्ता हो गया, अभी मैं थोड़ा सा खाना भी रेडी करने लग गई क्योंकि सुबह थोड़ा सा बना के रख दूंगी तो दोपहर में इजी हो जाएगा। तो बस अभी दाल चढ़ा दी और अभी काम भी करना है। और मैं ये साइड का पूरा खाली किया, कल रात को ही मैं धो के रखी क्योंकि सुबह पानी आ जाता है ना तो नहीं होता। मैं सोचा रात को धो के रखूँगी तो सुबह तक सूख जाएगा, तो ये सब भी थोड़ा सा करूँगी। तो थोड़ा सा खाना बना लूँ, खाना बना के रख देने से इजी हो जाता है दोपहर में, नहीं तो बहुत ये सब काम करके फिर खाना बनाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो मैं बोला नहीं आज ये पहले दाल चढ़ाई दूँ। और एक बात क्या है, आज मैं सोची थी सुबह इडली बनाऊंगी लेकिन सुबह इडली नहीं हुआ क्योंकि इडली का जो बैटर मैं बना के रखी थी वो थोड़ा सा फूला नहीं था। तो मैं बोला नहीं इडली भी तो चावल जैसा ही है तो दोपहर में इडली बना लेंगे। तो इसी के लिए मैं इडली रख दिया और एक टोस्ट बना लिया, अंडा देके टोस्ट बना लिया। और अभी तो सांभर चल रहा है इडली के साथ पूरा। दोपहर में खाओ तो पॉपर सब कुछ चाहिए, सांभर चटनी इडली तो ही जमता है, नहीं तो बिल्कुल नहीं जमता। मुझे अच्छा नहीं लगता क्योंकि सुबह फिर भी चटनी के साथ खा लेती हूँ लेकिन दोपहर में इडली खाना है तो फिर सब कुछ ही करना पड़ेगा। तो मैं बोला नहीं पहले दाल चढ़ा दो। हाँ चलो दिखाती हूँ आप लोगों को धो के। पूरा इस साइड में पूरा एकदम कांच का बर्तन का ढेर लगा दिया मैं, तो कर लेती हूँ, टाइम तो लगेगा, चलो करते हैं। और बोली ना ये देखो पूरा ढेर लगा के रखी मैं, पूरा धो के ढक्कन तो इधर रख दी और पूरा एकदम सूख गया लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पानी है इसमें। और इसके अंदर जो थोड़ा थोड़ा सामान था तो मैं पूरा इसके अंदर सब थोड़ा थोड़ा करके रख दी, फिर ढक्कन भी लगा दिया, चाय पत्ती वगैरह सब कुछ, और ऐसे करके इधर रख दिया। अभी ये सब बाद में करूँगी क्योंकि ये करने से अभी जब फ्री रहूँगी तभी करूँगी, धो के रख दिया तो टेंशन ख़त्म। और आज मुझे थोड़ा बाहर जाना था लेकिन मौसम बहुत ख़राब है, थोड़ा थोड़ा बारिश गिरते ही जा रहा है और चारों तरफ बादल, मतलब ज़्यादा बारिश भी नहीं और क्या बोलते हैं कम भी नहीं, मतलब ऐसा अजीब सा एक वेदर है। तो बाहर जाने में भी थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ कैसे जाऊँ, पता नहीं। अभी ऐसे बारिश में ना जाने के भी मज़ा नहीं होता, लेकिन देखती हूँ शाम तक कैसा हो रहा है उसके बाद सोचूंगी, लेकिन था जाना ज़रूरी था, अभी देखते हैं।
और पूरा काम हो गया। अभी बोली ना दोपहर मैं इडली बनाऊंगी, तो फटाफट इडली चढ़ा दिया, अभी करूंगी। इडली तो टाइम, मतलब डोसा में टाइम लगता है, खड़े रहना पड़ता है, इडली में ऐसा कुछ नहीं। इडली आप चढ़ा के थोड़ी देर इधर उधर का काम भी कर सकते हो, और डोसा में नहीं होता, डोसा में मतलब खड़े रहना पड़ता है। तो मैं अभी करके अभी वही मैं बोल रही हूँ जी, कैसे मेरा दिमाग में चल रहा है टिक 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 टिक, काम कर रही हूँ तब से मेरा दिमाग में चल रहा है जी कैसे जाऊँगी मैं, ऐसे मौसम है, तो देखती हूँ कैसा रहेगा, उसके हिसाब से काम करेंगे। तो चलो बना लेती हूँ इडली, फिर लंच करेंगे। और ये देखिए इडली चटनी सांभर डन। और अभी शाम हो गया, देखो मौसम का हालत, मैं बाहर नहीं जा पाई, बहुत शाम भी इतना नहीं हुआ, मतलब मौसम इतना ख़राब है, लग रहा है अंधेरा हो गया पूरा। और तब से मेहनत करने के बाद हमारा काम सफल हुआ है ना, दो दिन से हम लोग मेहनत कर रहे हैं, और अभी हम डायरेक्ट आपसे शाम को मिल रही हूँ। इडली खाने के बाद गुड़िया रानी को भूख लग गया, मेरा इडली बहुत भूख लगी, चलो भूख लगी। चलो वो क्या खाएगा हर्षित के साथ, उसका नाम भूल जाते हैं, वॉफल्स, वॉफल्स चार गुना वाला ब्रेड चार गुना ग्रेड वाला मैथ्स का पता ना मैथ्स। चलो जो भी हो, और क्यों दो दिन से मेहनत कर रही हो तो बोली नहीं। बोल गुड्डू, हमारा प्रिंटर खराब हो गया था, खराब नहीं हुआ था मतलब कुछ हैंग वैंग हो गया था, फिर ओपन नहीं हो रहा था, ऑन ही नहीं हो रहा था। दो दिन से परेशान, पता है उधर इंक डाला हुआ है लेकिन नहीं होने से मुझे अभी ये बारिश में बाहर जाना पड़ता, लेकिन चलो मतलब माँ सरस्वती एकदम खुल गया और काम भी हो रहा है उसका बहुत। आजकल प्रिंटर मतलब काम लगता है ना, थोड़ा बहुत पेंट करना पड़ता है, तो चलो वो कर लेगी, अभी हम उसको कुछ खाना दे दे जल्दी दो चलो। और ये देखो ये महाराज के पीछे हम लोग इतना टाइम तक लड़ाई कर रहे थे, चिन आ गई, लाइट बंद था। और देखो आज वो ना बहुत तंग, कब से पपीता काट के रखी वो खाई नहीं, उसका आज मन ही नहीं है पपीता खाने का, तो अभी मुझे ये फ्रिज में रखना पड़ेगा। पपी पपीता खत्म करो, यही है ना पपीता नहीं खत्म करती है, नहीं। चलो उसको जो चाहिए वो दे देती हूँ, इसको खाना है उसको हर्षित। अभी थोड़ा सा बटर दे के इसको गरम कर लेंगे हल्का सा, और एक साइड हो गया, मैं पलट दिया, थोड़ा सा हल्का गरम करूंगी, और थोड़ा सा मीठा है तो उसको तो थोड़ा सा ब्लैक पेपर देने से टेस्ट लगता है, और अभी उसको तो हर्षित जितना ही मीठा हो हर्षित डालना है बस। नहीं बस नहीं हुआ शांति, यस। और पूरा काम हो गया, अभी मैं रात का डिनर बनाने आ गई, मतलब रोटी बनाने, सब्जी तो बना लिया। तो चलो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, अच्छा लगे तो एक दिल से लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अच्छा से रहना, हंसते रहना। ओके फ्रेंड्स बाय।